फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 को बताने जा रहा हूं और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें तथा अच्छा से समझें। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे को भी इसका फायदा हो सके। मैं इस चैनल पर आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक को पूरा पढ़ाऊंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर वन है, 140, टू है 156, थ्री नंबर है 3825, फोर नंबर क्वेश्चन है 5005 और फाइव नंबर क्वेश्चन है 7429। चलिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर वन, 140 है तो प्राइम फैक्टर्स होगा, 140 का 2 × 5 × 7, क्योंकि 140 को जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 से 70, 2 से 35 और ये 5 से 7 टाइम्स कटेगा, इसलिए 2 स्क्वायर × 5 = 7, इसका क्या हुआ, फैक्टर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर टू है 156 प्राइम, इसलिए प्राइम फैक्टर्स इक्वल टू हो जाएगा 156 का, कितना 156 को तोड़ेंगे तो 2 टाइम्स टूटेगा 78, फिर 2 से देंगे तो कितना होगा, 2 × 3 = 6 और 89 और ये जाएगा 3 से 30, यानी 2 × 2 × 3 × 13, इसलिए 2 स्क्वायर 3 × 13 इसका प्राइम फैक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, 3825, इसलिए इसका प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 3825 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो इसी प्रकार इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 70, इतने टाइम्स में टूटेगा और इसको 3 स्क्वायर × 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 70 ये इसका प्राइम फैक्टर हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 5005, इसलिए इसका प्राइम फैक्टर कितना होगा, 5005 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 11 टाइम्स और 3 टाइम्स, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 36 33 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 15 1 16 9 9। ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं 5 5 5 को फैक्टराइज करते हैं तो कितना हुआ 5 से 1 1। अब डिवाइड हुआ 7 से, 7 डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 3 हुआ, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 20। फिर इसको तोड़ेंगे कितने से 11 से, 11 से हुआ कितना 11 11 11 11 30 टाइम्स में टूटेगा, इसलिए इसका प्राइम फैक्टर हो गया इतना। क्वेश्चन यहाँ 11 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में 7 4 2 9, इसका प्राइम, इसलिए इसका प्राइम फैक्टर कितना होगा, टॉस होगा 7 4 2 9 को तोड़ेंगे ये टूटेगा 17 टाइम्स 19 टाइम्स और 23 टाइम्स, इसलिए इसका प्राइम फैक्टर कितना होगा 17 19 और 23 हुआ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटेजर्स बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन कर फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर बाय इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। कह रहा फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करना है और उससे पता लगाना कि इसका एलसीएफ और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दोनों नंबर संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में है 26 एंड 91। क्वेश्चन नंबर 2 में है 510 एंड 92 और क्वेश्चन नंबर 3 में है 336 एंड 54। सॉल्यूशन चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
26 एंड 91। फैक्टर्स कितना होगा, फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स, इसका फैक्टर्स हो जाएगा 2 × 13 और 91 का फैक्टर हो जाएगा 7 × 13। इसमें कॉमन क्या है, 13 है, इसलिए एच सी एफ कितना होगा, एच सी एफ हो जाएगा 13 एंड एल सी एम हो जाएगा 2 × 7 × 13, जो कॉमन रहता है उसको भी ले लेते हैं, कॉमन में से एक लेते हैं और बाकी सबको ले लेते हैं, तो कितना हुआ 14, और 14 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 182, इतना एलसीएम होगा। अब वेरीफाई, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर्स एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ है 13 एंड प्रोडक्ट नंबर कितना है 26 एंड 91। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 236 और 84 को मल्टीप्लाई करेंगे 82 और 13 6 4 और 2 5 2 8 1, यानी 6 6 23 6 6 हो गए, 5 3 1 2 यानी 23 66, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 23 66। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस यानी लेफ्ट साइड बराबर कितना है राइट साइड, सो इसलिए इसलिए प्रोडक्ट इसलिए एस सी एफ गुना एल सी एम, एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर टू में है 510 एंड 92, इसका फैक्टर्स कितना होगा 510 और 92, 510 का फैक्टर करेंगे तो होगा 2 × 3 × 5 × 17, और 92 का फैक्टर्स होगा 2 × 2 × 23, इसलिए एच सी एफ होगा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 है तो 2 हो जाएगा, और एलसीएम एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा जो कॉमन है 2 और 3 5 17, और इसमें है 2 × 23। अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2623416, ये एलसीएम हो गया। वेरीफाई,
HCF गुना LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF कितना है 2 और LCM कितना है 23,460। इसलिए और फर्स्ट नंबर कितना है 510 और 92, इसको गुना करेंगे तो 0, 12, 9, 6, 4 यानी 12, 8 और 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 में 92 से 2, 10, 9, 45 यानी 46, 9, 20। इधर भी कितना आया 46, 9, 20। हेंस LHS इक्वल टू RHS सो HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बस क्लियर। यानी HCF इंटू LCM HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसलिए 2 इंटू HCF है और 23,460 LCM दोनों मल्टीप्लाई किया तो 46,920 आया। और ये क्या है इसलिए LHS बराबर RHS दोनों साइड इक्वल है इसलिए सो HCF को LCM इक्वल टू बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इसलिए उसके बराबर है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री में है 336 and 54 प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इसलिए फैक्टर्स इक्वल टू हो जाएगा 336 का फैक्टराइज करेंगे तो होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 37 यानी इतना मल्टीप्लाई हुआ 3 × 7। उसी तरह 54 का करेंगे फैक्टराइज कितना होगा 2 × 3 × 3 × 3। इसमें कॉमन क्या है ये 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है इसलिए HCF इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 यानी 6। LCM इक्वल टू हो जाएगा दो कॉमन में से 2 ले लेते हैं कॉमन में से 1 ले लेते हैं दोनों में से और शेष को फिर उसी तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 है 2 × 7 × 3 × 3 ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM हो जाएगा 3,124 LCM हो गया वेरीफाई। LCM गुना HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो LCM कितना है LCM में 3,024 और HCF है 6 इधर है 366 × 54 इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 18,154 और इसको कितना आएगा 18,154 हेंस
एल एच एस बराबर आर एच एस, देन दोनों तरफ का साइड क्या है, बराबर है, इसलिए एल सी एम दूने एच सी एफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर्स बस ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री करा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड सर एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन है 12, 15 and 21, क्वेश्चन नंबर टू है 17, 23 and 29, क्वेश्चन नंबर थ्री है 8, 9 and 25। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में है 12, 15 and 21 और फैक्टर्स एफ एस फैक्टर्स 12, 15 और 21 का फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना होगा, इसका होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसका होगा 5 मल्टीप्लाई 3, इसका होगा 7 मल्टीप्लाई 3, ये तीनों में कॉमन क्या है 3 है, इसलिए एस सी एफ क्या हो जाएगा 3 एंड एलसीएम होगा एंड एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा तीनों में कॉमन क्या है 3, एक कॉमन लेते हैं और बाकी सबको लेते हैं तो 2 into 2 multiply 5 multiply 7, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 ये इसका एलसीएम होगा। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में करा है 17, 23 and 29 तो फैक्टर्स होगा इसका, इसलिए फैक्टर्स होगा 12 का सॉरी 17 का 23 का और 29 का, तो 17 का फैक्टर होगा 1 × 17 क्योंकि किसी से नहीं कटता है, सिम्स कटता है को प्राइम नंबर है, और इसका हो जाएगा 1 × 23 और इसका भी होगा 1 × 29, इसलिए हाईएस्ट कॉमन क्या है 1 है, तो एच सी एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड एलसीएम एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 17 × 23 × 29 17 × 23 × 29 इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा
आपका एलसीएम 11,039 इतना होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया 8, 9 एंड 25, इसलिए फैक्टर हो जाएगा इसका, फैक्टर्स इक्वल टू हो जाएगा 8, 9 और 25। 8 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, 9 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 का फैक्टर 5। और इसमें कॉमन क्या हुआ, तो कुछ नहीं, तो एक से तो स्वयं में सब में भाग लग जाता है, इसलिए कॉमन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई और 25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 9 प्लस 25 करेंगे तो आएगा 1800, यही आपका एलसीएम होगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है, गिवन दिया है दैट कि एचसीएफ एचसीएफ 306 and 657 = 9 और फाइंड एलसीएम, और एलसीएम निकालना है किसका, 306 and 657 का। इसलिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन हो जाएगा, वी नो दैट वी नो दैट हम जानते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल और दो नंबर के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए एलसीएम और एचसीएफ बराबर 9। और पहला संख्या कितना है 306 और दूसरा संख्या है 657, इसलिए एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 309 जगह डिवाइड कर देगा 6657/9। 3 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा 102 और फिर 3 से डिवाइड होगा 34 और ये होगा 31। अब हो गया 34 मल्टीप्लाई 657, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22,338। इसलिए एलसीएम कितना हो गया 22,338 आंसर। इस प्रकार इस वीडियो में आपका क्वेश्चन 4 तक समाप्त हो गया, और इस एक्सरसाइज के शेष 3 क्वेश्चन को अगले वीडियो में बताया है। अतः वीडियो को ध्यान से देखिए तथा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।